<laughs> <laughs> वे पुत मेरा मेरी सैलरी फसी हुई है <laughs> वे मेरा फसिया हो सही हुई 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 है उन्हें कहना पता नहीं माँ की कही है ट्रैफिक वार्डन चिलान करता करता रुक गया कि सर आप क्या करते हैं मैंने कहा है। यार मेरा ये कसल से काम है उसने पेंसिल रोक दी अपनी and i am yet again here with the second episode of our podcast it's 15th of november and i am मैं आज second episode है हमारे पॉडकास्ट का और टॉपिक जो आज हम लोगों ने रखा है पॉडकास्ट का वो आपको पता है कि कितना ज्यादा जो है वो रुझान है स्टूडेंट का ट्रैवल करने का अब्रॉड अब स्टूडेंट बेटर इम्प्लॉयमेंट अपरचुनिटीज के लिए अब ट्रैवल कर रहे हैं आज का टॉपिक भी हमारा उसी हवाले से है ब्रेन ब्रेन के हवाले से है कि इतने ज़्यादा दो लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल कर चुके हैं अब्रॉड फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऑब्वियसली uh, एक बेटर लाइफ स्टाइल के लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं और जिसमें से चार हज़ार जो हैं वो डॉक्टर्स हैं ग्यारह हज़ार अकाउंटेंट्स हैं और इसके साथ साथ और बहुत सारे जो हैं वो प्रोफेशन से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो ट्रैवल कर चुके हैं अब्रॉड फॉर द सेक ऑफ़ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ऑब्वियसली बेटर एम्प्लॉयमेंट के साथ जो है वो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो स्टूडेंट सर्च करते हैं यहाँ नहीं मिल पाती हैं तो फिर वो अब्रॉड ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इम्प्लॉमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या रीजनज हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड क्या इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं देखें मतलब सबसे पहले तो बात ही है कि टॉपिक बड़ा सेंसिटिव भी है सही है और इंटरेस्टिंग भी है इंपॉर्टेंट भी है भी है जैसे ब्रेन रहा है पाकिस्तान के अंदर और अलार्मिंग भी है लेकिन एवंअली uh, इसका बेनिफिट होगा पाकिस्तान को लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं होगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म सही हुँ। है जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं एवं ये पाँच साल बाद दस साल बाद अगर हमारे पाकिस्तान के हालात ठीक होते हैं तो ये फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजेंगे हुँ, हुँ. अपनी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेंगे सही है लेकिन ये एक हमारी फोरकास्ट है हुँ. ऐसा नहीं भी हो सकता अगर पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हुए हुँ. अच्छा बात ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है सही है हुँ. तो देखें इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन से चार सेगमेंट्स के अंदर सही है तीन से चार कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी आ, हाई स्कूल की जो हमारी पापुलेशन है जो हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं सही है उनसे स्टार्ट कर लेते हैं सही है देखें आ, पिछले अगर हम आ, बात करें कोई चालीस साल की बात करें पचास सालों की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हाई स्कूल्स तो बहुत बने हैं सही है एक बिज़नेस बन गया इंटरनेशनल की अब आप लिस्ट ओपन करें गूगल में तो आपको हजारों स्कूल मिल जाएंगे जाएं। सही है आई बी ऑफर कर रहे हैं ए पी ऑफर कर रहे हैं ना वो पिछले कुछ पचास सालों में खास तौर पर पिछले कुछ दस साल में मार्केट में एंटर हुए हैं सही एंड दे आर ऑफरिंग दे आर ऑफरिंग ओ लेवल्स ए लेवल्स आई बी एंड ए पी सही अब ये जो चार मेरे प्रोग्राम्स के नाम लिए हैं इनके बाद ये जो हमारी अलीट क्लास है ये तो वन के हमारे स्कूल जो वन के बच्चे हैं इनकी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, सही है क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि इनके लिए आगे हमारे पास यूनिवर्सिटीज कौन सी है अनफॉर्चुनेटली हम जो ये लाखों स्टूडेंट्स इन स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे हैं चाहे वो छोटा स्कूल है मैं बिकन हाउस की मैं नाम नहीं लेता फिर एतराजात भी आते हैं छोटे स्कूल्स की बात कर लें चाहे जो हमारे अलीटेस्ट स्कूल हैं इस्लाम के अंदर लाहौर के अंदर

कल्चरल शॉक मिलता है जो हमारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का आ, जो डिफरेंस है कल्चर का प्राइवेट स्कूल्स के साथ वो बहुत ज्यादा है सही है? है तो फिर ये वो क्लास है वो जो कहती है हमने पाकिस्तान में नहीं रहना अब उनके पास ट्रांस है कि भाई हमारे पास आगे अपर्चुनिटीज ही नहीं है हम मैं ओ लेवल्स करके मैं आई करके मैं एपी करके मैं तो नहीं जाऊँगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर मैं तो नहीं जाऊँगा प्राइवेट कॉलेज के अंदर मैं तो जो क्योंकि उनको वन से लेके बल्कि आप कि बचपन से लेकर जो अनफॉर्चुनेटली बाहर नहीं जा पाते जाते हैं ये उनके लिए भी एक लोएस्ट ऑप्शन है एग्जेक्टली स्कॉलरशिप नहीं मिलती वह रीजन है फीमेल्स के लिए ट्रेवलिंग के मसले है अच्छा ये तो होगी हमारी हाई स्कूल की क्लास नेक्स्ट हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स डिग्री कंप्लीट की है बिजनेस डिग्री की डिग्रीज की होती है जो बच्चे बिजनेस डिग्री करते हैं जब वो मार्केट में आते हैं तो उनको क्या मिलता है पच्चीस हजार तीस हजार पैंतीस हजार अच्छा अब ये वो बच्चे हैं जिनको बचपन से अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो ये वो बच्चे हैं जिनको बचपन से घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि बड़ा हो के हमारे लिए कुछ करेगा और वो क्या करेगा वो डिग्री लेके मार्केट में जा रहा है उसे कह और और कितना उसको अभी ज्यादा जो है वेट करना पड़ेगा वो उस रैंक पर जाने के लिए उस रैंक पर जाने के लिए जो उसके घर वालों की हमारे यहाँ पे सोशल प्रेशर ही बहुत ज्यादा है बहनों की शादी करनी है भाइयों का सोचना है सही है अम्मी अबू की दवाइयां भी लेके आनी है मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ अच्छा अब ये बच्चा क्या करेगा अब ये बच्चा तीस पैंतीस हजार के लिए काम तो नहीं करेगा ये कहेगा जाके अपने फादर से मदर से कि जहां पर आपने मेरे ऊपर इतने पैसे लगा दिए वहां मुझे आपको तीस पैंतीस लाख रुपया और दें मुझे बाहर भेज दें सही है क्योंकि इवेंचुअली एंड ऑफ द डे हम जितनी मर्जी बहस कर ले पे पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में पैसा पैसा ही रहना है सही है उसकी उसके घर के मसले मसाइल उसकी जितनी भी खुशहाली है वो पैसे पे डिपेंड कर रही होनी ठीक है वो कहता है कि भाई आप मुझे बाहर भेज दे सही है तीस पैंतीस लाख और लगा दे मेरे ऊपर मुझे एक बार बाहर भेज दे मैं सारे मसले हल कर दूंगा अब वो ये बॉडर नहीं कर रहा कि उसको वहां जाके उबर चलानी पड़ेगी वहां जाके वेटरिंग करनी पड़ेगी कुछ भी करना हुँ। पड़ेगा हुँ। उसको ये पता है कि मुझे वहां जाके तीन चार हजार मंथली इनकम होनी है चाहे मैं जैसे भी कमा रहा हूँ मैं कनाडा जा रहा हूँ तो मेरी वहां पे जाके चार पांच हजार डॉलर इनकम होनी है मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो मैं आठ दस हजार डॉलर कमा लूंगा उससे मेरे मसले हल हो जाने हैं क्योंकि उसके पास उतना गजेन है ना

मेरी स्टडी जो है ना वो एक टॉप यूनिवर्सिटी की है पचास हजार तो मैं, तो मैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा रह के यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है मुझे मैंने बाहर जाना है सही है मैंने बाहर जाना है मैं जाके अपना फ्यूचर खुद बनाऊंगा अच्छा जिनकी तो खैर फादर मदर की कोई जमीने हैं मिले छिले हैं सही है वो जाकर एडजस्ट हो जाएंगे अपने अपने कारोबार के अंदर लेकिन जो है? नहीं है जो सेल्फ मेड बंदा है वो अब तीसरी वो जो हमारे प्रोफेशनल है हुँ. सही डॉक्टर की सैलरी यहाँ पे क्या है हमने लास्ट बड़ा उसको अप्रिशिएट किया गया पॉडकास्ट में डिस्कस किया गया सत्तर हजार सैलरी डॉक्टर की स्टार्टिंग सैलरी है सही है सत्तर हजार में क्या करेगा वो आपका फ्यूल नहीं पूरा होगा आपका किचन का एक्सपेंस नहीं पूरा होगा बच्चों की जो फी है स्कूल की वो तीस तीस हज़ार फीस है पर मंथ अच्छा फिर वो क्या करेगा वो कहेगा जी जहाँ मैंने इतना पढ़ लिया मैं दो एग्जाम और पास करूंगा यूके का या यूएसए यूएसएम यूएसए का अगर कोई और प्रोफेशन है सही है तो मैं वो उसका एग्जाम पास कर लूंगा

बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो ये हालात चल रहे हैं ये तीनों सेगमेंट इसके साथ एक सेगमेंट और भी है वो आगे चल के डिस्कस कर लेंगे जो यहाँ पे बिजनेस हैं जो यहाँ पर अपना अपना कारोबार रन कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम तो ये वजह है कि बच्चे जो है ना यहाँ से चाहे वो स्कूल के हैं चाहे यूनिवर्सिटीज के हैं चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं दे आर गोइंग अब्रॉड जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज है, के लिए लेकिन आपको लगता है कि वहां जाके, क्या उनको फेस करने पड़ते हैं स्टडीज के अलावा एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपके ख्याल में क्या चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ सकते हैं यहाँ से जाने के बाद देखिये देर आर मल्टीपल चैलेंजेस अगर कोई बच्चा यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, सही है तो चैलेंजेस तो होंगे अगर मैं या आप हम कराची चले जाए सही है और हमारे पास अपना फ़ोन ना हो सही है तो वहां जाके भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कुछ जानने वाला नहीं है कोई पहचानने वाला नहीं है सिमिलरली आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहां जाके चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे सही है पॉलिटिकल भी हो सकते हैं पॉलिटिकल खैर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में इतने ज़्यादा नहीं होते सही है आप कनाडा की बात करें यूएसए की बात करें ऑस्ट्रेलिया यूके की बात करें दे हैव पोलिटिकल क्राइसिस बट Uh, जैसे पाकिस्तान में है, ना, वैसे नहीं है. हुँ, हुँ, तो उनका डायरेक्टली जो है ना बच्चों के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आता जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है तो ये वो चैलेंज है जो बच्चों को फेस करना पड़ता है खासतौर पे स्टार्टिंग में अब होता क्या है चूंकि हमारे यहाँ पे स्किल सेट पे काम नहीं किया जाता हमारे यहाँ पे काम करते हैं डिग्रीज के ऊपर लर्निंग के ऊपर ठीक है रटे के ऊपर काम कर रहे हैं तो इनके पास खास स्किल सेट नहीं होता सही है फिर ये वहां जाके जॉब्स में अपना जो है ना साल दो साल का टाइम वेस्ट करते हुँ। हुँ। हैं हुँ। उबर चला ली या आ, कुछ भी कर लिया सिक्योरिटी गार्ड बन गए सही है फार्म हाउस पे नौकरी कर ली वेयर हाउस में नौकरी कर ली स्टार्टिंग अपना जो है ना वो सर्वाइवल अपना जो है ना फेस जो है ना वो वो करने के लिए लेकिन उसमें भी ये बच्चे चूंकि अब पाकिस्तान में एक बच्चा पैंतीस चौबीस साल है वो चार पांच हजार पाउंड रन कर रहा है तो अब देखें ना उसका मेंटल लेवल कितना का होगा जो उसको ये बताएगा कि भाई तुम तो गलत कर रहे हो उसको तो पता है ना महीने का बीस लाख रुपए कमा है मेरे पास कुछ है और उसने सुना है बचपन से अपने घर वालों से भी अपने फैमिली से भी कि ये बड़ा होकर हमारे लिए कमाएगा सही है तो अब वो यहाँ पे कुछ नहीं सोच रहा ना करियर की ना फ्यूचर की अलबत् जिनके पास स्किल सेट है सही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाके

वे मेरा सही है उन्होंने और हाँ like, आग तो तो की, की, तो जो बच्चे जिनके जिनका इंग्लिश अच्छी है या जिनके पास स्किल सेट है मैं बार बार फोकस करता हूँ स्किल सेट के ऊपर चूँकि अनफोर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बच्चों को

फाइनेंशियल प्रोडक्शन उसको यहाँ पर नहीं है पॉलिटिकल किस सेंस में अगर एक बच्चा यहां से ट्रैवल करके जा रहा है तो इस इस चीज को क्या वो गारंटी है उसके लिए कि उसको ये सब चीजें जो है वो वहां पर मिल सकती हैं और क्या ये ही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसके उसके लिए अपने आप को फुलफिल्ड फील करने के लिए क्योंकि सी यहाँ पर तो इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि हमारे जो है वो फाइनेंस को ही नहीं वो मीट कर पा रहे हैं हम लोग एजुकेशन की भी नहीं है इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो एक स्टूडेंट को यहाँ से ट्रेवल करने के बाद वहां पर वो फील कर

सोसाइटी भी सेम इन्हीं एंगल्स के ऊपर बनती है सही है ऐसा नहीं है कि किसी सोसाइटी के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है सही है जी यहाँ का हुक्मरान बहुत अच्छा है लेकिन लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता लोगों को जॉब्स नहीं मिलती तो उस हुक्मरान का को कोई फायदा नहीं है उस लीडर का उस गवर्नमेंट का को कोई फायदा नहीं है अच्छा जी सपोज हम बात कर लेते हैं जी यहाँ पर लीडर भी अच्छा है गवर्नमेंट भी अच्छी है और जॉब्स भी मिलती हैं लोगों को लोग कमा भी रहे हैं लेकिन क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है सही है लोगों की जान और माल की तहफ़ नहीं मिल रहा तो भी लोग सर्वाइव नहीं कर सकते अच्छा इसी तरह आपका मेडिकल सिस्टम है इसी तरह आपका स्कूलिंग सिस्टम है इसी तरह आपका आ, आपके करियर की प्लानिंग है देखें सोसाइटी में आपको हर चीज़ को एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है पाकिस्तान से निकलने की एक रीजन नहीं है देर आर मल्टीपल रीजन जिन्होंने स्टार्टिंग में बात की थी हमने तीन डिस्कस किए है एक वो जो स्कूलिंग बच्चे हैं एक वो जो हमारे यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं एक वो जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं अब एक क्लास वो भी है जो यहाँ पे सेटल्ड है मेरे मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आ, मैं क्लब्स में जाता हूँ मैं आ, आ, जिम जाता हूँ जहां पर भी जाता हूँ जो सी भी क्लास में जाके बैठता हूँ ना वो ये जब मुझे पता चलता है ना कि मैं कंसल्टेंसी के अंदर हूँ करियर काउंसलिंग के अंदर वो पहला क्वेश्चन ये करते हैं जी मैंने कैनेडा जाना है सही है मैंने ब्यूरोक्रेसी में बैठ के देखा मैंने जजेस के अंदर बैठ के देखा मैंने लॉयर्स के अंदर बैठ के देखा

सही है आए दिन आपके यहाँ पे अभी पिछले दिनों में एक मामूली लड़ाई के ऊपर दो बच्चे जो है ना वो कत्ल हो गए ये कल का वाकया है परसों का वाक्य है ये डीएचए के अंदर एक वो चौदह साल के बच्चे ने एक लीड स्कूल का बच्चा था उसने वो ड्राइविंग छह छे, हाँ, छे जो है ना वो हार्स ड्राइविंग कर रहा था सही है और वो फैमिली के बंदे जो है ना वो उनकी डेथ हो गई अब ये क्या इश्यूज़ हैं ये सोसाइटल है। hmm. चौदह साल के बच्चे को गाड़ी चलानी किसने दी hmm. अब ये जैसा hmm. जो चाहता है, hmm. बंदा जो है कि यार अगर घर तो वो सिक्योर हो hmm. सही है अब वो छह बंदों की फैमिली बिल्कुल ट्रेवल कर रही है एक बंदा आगे आपको गाड़ी हिट कर जाता है क्यों क्योंकि आपने उसको लाइसेंस ही नहीं दिया होगा ये भी एक प्रेशर है ये भी एक एलिमेंट है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है तो

चूंकि वहां पर अदर लॉ एंड ऑर्डर है अदर अदर एलिमेंट्स जो जो है ना फैक्टर्स हैं सोसाइटी के अकाउंटेबिलिटी है, है वो काम कर रहे हैं एक अदर फैक्टर की लोग बर्दाश्त कर जाते हैं लेकिन जब सारा कुछ ही बिगड़ जाए आपकी गवर्नमेंट भी आपकी ब्यूरोक्रेसी भी भी आपका स्कूलिंग भी हुँ, आपकी सोसाइटी भी तो फिर वहां पे सरवाइव करना जब जंगल का कानून बन गया ना तो फिर यहाँ पे सरवाइव करना जो है ना वो नियरली है सर आपने ट्रैवल किया है बहुत सारी कंट्रीज में आप ट्रैवल कर चुके हैं आपके ख्याल में अगर एक बंदा यहाँ से पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा है किसी और कंट्री में क्या डिफरेंसेस आपने देखे हैं जो यहाँ की लाइफ में और बाहर की लाइफ में हैं जो इजीली जो है वो आपने स्पॉट किए हैं कि हाँ जी ये डिफरेंसेस हैं यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ में और वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये डिफरेंसेज हैं तो वो कौन से डिफ्रेंसेज हैं जो आपने स्पॉट किए हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो आप ये कह सकते हैं कि बेहतर हैं यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इक्वालिटी ठीक है बहुत सारी कंट्रीज में कनाडा है यूएसए है यूके है ऑस्ट्रेलिया है वहां पे एक सिस्टम ऑफ इक्वालिटी है यानी कि आपको एक जैसा ट्रीट किया जाता है आप उबर चला रहे हैं आप वेटर हैं आप बार हैं जो लोएस्ट जॉब हो सकती है किसी सोसाइटी की आप वो कर रहे हैं ना रिस्पेक्ट ऑफ एवरी तो फिर भी आप जो है ना आप रिस्पेक्टेबल है ठीक है

अच्छा उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ आप कह लें कि लाइफ यानी कि मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो हमारे यहाँ पर जो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं सही है आईफोन है गैजेट्स हैं सही होगा गाड़ी है क्लोदिंग है कपड़े हैं सही हो गया ये एक यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट कि ये अलीट क्लास अफूड कर सकती है सही है वहाँ पर हर बंदा फूड कर सकता है बिल्कुल ऐसे है कोई भी नया फोन आता है चाहे वो जो मर्जी कर रहा है ना वो सबसे पहले फोन परचेज करता है।, है सही है वो अपने आप को सोसाइटी का हिस्सा समझता है क्या अगर छह बंदे ले रहे हैं ब्रांड की एंटरटेनमेंट सिर्फ जो है वो लीड के साथ है लीड के पास है भाई यहाँ पे जो आईफोन लेटेस्ट है ना वो किसी अमीर बंदे के पास ही होता है वहाँ पे नहीं है यहाँ पे है क्लास डिफरेंस पर है कि किसी ने गाड़ी रखी हुई तो यह इसका मतलब उसके पास चार पैसे है वहां पर ये, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर मैं के खाना खा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कोई अमीर ज्यादा हूँ वहाँ पे अगर आप खा रहे हैं मैकडोनल्ड के एफ सी तो कोई बहुत नहीं खा रहा सभी खा रहे हैं सही है उन्होंने लाइफ जो है ना वो एक्सेसिबल बनाई हुई है एक सबके लिए सबके लिए सही है अच्छा इसी तरह अगर हम बात करें कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जब आप अब वहां पर क्या चीज है अब आप देखें कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं सही अगर आप पैदल हैं आप साइकिल पे हैं तो आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो बंदा जिस जो गाड़ी पर है हुँ। सही है अब अब एयरपोर्ट पे आप जाते हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अब आप ये देखें कि अगर आपके पास गाड़ी है ना एक्सपेंसिव गाड़ी है सही है तो वो एक्सपेंसिव गाड़ी आप लगाएंगे पार्किंग स्लॉट के अंदर और वहां से 20 मिनट वॉक करके आएंगे और आके अपने वो आ, काउंटर पे आएंगे जहां पे आपने बोर्डिंग पास लेना है और अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो जैसे ही ट्रेन खुलेगी बिल्कुल सामने इमिग्रेशन काउंटर है यानी कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा आसानी है जिसके पास चार पैसे हैं गाड़ी है वो गाड़ी लगा के पार्किंग फीस भी दे और ट्रेवल करके यहाँ पर आए और यहाँ पर थोड़ा सा उलट है यहां तो है हाँ, उल्टा है वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो ना वो एडवांस और एक ले मैन को एक आम बंदे को सपोर्ट करता है यहाँ पर क्या है जिसके पास गाड़ी है सही हो गया साइकिल वाले को तो थप्पड़ लगा के साइड थप्पड़ लगा के साइड पे कर देते हैं और एक बच्चा जो है चौदह साल का वो छह बंदों को नीचे नीचे निकल जाता है ये चीजें हैं जो मैं समझता हूँ की

अब जो स्टूडेंट्स ट्रैवल करके जा रहे हैं प्रोफेशनल्स हैं ठीक है इवन के जो आ, हमारे पास आप कह सकते हो टेक्नीशियंस ने भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया हुआ है थर्टी फोर थाउजेंड के अराउंड वो ट्रैवल करके जा चुके हुए हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अब अगर कोई ट्रैवल करके गया है वो जा चुका है अब्रॉड तो आपके ख्याल में कि उनको एक्सपीरियंस लेने के बाद पाकिस्तान वापस आना चाहिए या फिर उनको पीआर के लिए ही वहां पर जो है वो अपना पीआर को ही वहाँ कंटिन्यू करना चाहिए या आपके ख्याल में उनको पाकिस्तान वापस आके एक्सपीरियंस लेके यहाँ पर अपनी जो स्किल्स हैं उनको एग्जिबिट करना चाहिए व्हाट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द पर्सन हु एज ट्रेवल अब्रॉड उसके लिए पी लेना एक बहुत ज़्यादा एक फायदेमंद चीज होगी या फिर पाकिस्तान वापस आके अपने उस इन्वेस्टमेंट कर लिए सारी जिंदगी गुजार ली उसको पाकिस्तान वापस आना चाहिए वट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर है अच्छा पीआर के ऊपर दो तो ना एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे किस दिन अच्छा टॉपिक छेड़ लिया आपने ये तो ये, मेरी, ये तो मेरी छेड़ ये तो मेरी छेड़ ही है पीआर सही है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पॉडकास्ट बनाएंगे बात करेंगे क्यों पीआर जरूरी है क्यों लोग पीआर के पीछे भागते हैं क्या पीआर इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं है अच्छा जहाँ तक बात है कि लोग यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं वो चाहे स्किल्ड माइग्रेशन है चाहे वो प्रोफेशनल माइग्रेशन है चाहे वो स्टूडेंट्स जा रहे हैं किस तरह के भी है क्या उनको वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए देखिए मैं तकरीबन कोई फिफ्टी कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ वहाँ पे पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात भी होती है सही है मैं लिख के देने को तैयार हूँ अगर आज आपके पाकिस्तान के हालात ठीक लोग वहाँ पे दूसरा दिन नहीं गुजारेंगे जिस तरह आज यहाँ पर पासपोर्ट बनाने में रश लगा हुआ है ना इसी तरह आपके एयरपोर्ट चौक हो जाएंगे जिस तरह लोग वापस आना स्टार्ट होंगे लेकिन सिर्फ यहाँ पे उनको एक अच्छा एटमोस्फेयर देते हैं उनको जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं चाहे वो स्कूलिंग की है चाहे वो यूनिवर्सिटीज की है चाहे वो जॉब्स की हैं चाहे वो थ्रेट हैं चाहे वो जो भी है अगर यहाँ पर उनको एक अच्छा माहौल मिल जाए सही हो गया देखिये जहां पर वहाँ रहने के बेनिफिट्स हैं वहां रहने के, के नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त जो लोग वहाँ फेस कर रहे हैं दैट इज देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर चाइल्ड चिल्ड्रन ठीक है वहां पर उन्होंने कल्चरल मॉरल वैल्यूज आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं वहाँ पर ठीक है मैंने बहुत इश्यूज सुने हैं के सही है लेकिन वो बर्दाश्त करके बैठे हुए बर्दाश्त करना पड़ रहा है पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे हजारों एलिमेंट बर्दाश्त करने हैं अब उन्होंने यूके ने एल जी पी टी का जो सिलेबस है वो स्कूल में सिलेबस में एड कर दिया कि भाई हर बच्चा पढ़ेगा यूनिवर्सिटी के सामने सर इसको बैनर्स लगा के सेलिब्रेट किया, किया जा रहा है देखिए चले वो तो फिर भी एक मेच्योर क्लास है ना बच्चों को एड कर दिया सिलेबस में यानी तो वो क्या करेगा वो तो वहाँ exactly. तो पे हैं। और वो लोग वापस आना चाहते हैं कोई आता है तो आप उससे खुडेला लगा देते हैं सही है आप उसको उस तरह से आप उसको उस तरह से जो है ना पे बैक नहीं करते ठीक है बहुत सारे लोग हैं पिछले दिन मैंने वाक्य सुना है बंदा कैनेडा से आया कोई दस साल बाद यहाँ पे रॉबरी हुई है उसको उसको फायर मारा वो मर गया सही है अब वो जो मर गया अब चारा अब उसके पीछे जो तो सारे कैनेडा बैठे हुए हैं उसके जानने वाले तो है तो पाकिस्तान नहीं है हुँ। हुँ। क्या वो पाकिस्तान आएंगे डर जाएंगे वो कि वहां जाएंगे तो मार देंगे सही है और आना चाहिए इनको मैं तो खुद कहता हूँ कि पाकिस्तान को जरूरत है देखिए हमारे पास क्या चीज है सबसे स्ट्रॉग पॉइंट हमारा क्या है कि हमारे पास यूथ है।, यूथ है सही है हमारे पास ऐसी क्लास है जिसकी जो एज है वो अठारह साल लेकर चौबीस तक है सही है लोग अपना इन्वामेंट कैश करते हैं लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैश करते हैं लोग अपना स्कूलिंग सिस्टम कैश करते हैं लोग अपना टूरिज्म कैश करते हैं हम अपना हम अपनी यूथ को कैश करें कैश कैसे करें कैश ऐसे करें कि ये लोग बाहर जा रहे हैं सही है वहाँ से स्किल सीखें, ये वहाँ से डिग्रीज लें ये वहाँ से एजुकेशन लें और ले के वापस पाकिस्तान में आए और यहाँ पर आके उसे इम्प्लीमेंट करें नहीं। नहीं। उस सिस्टम को उस एजुकेशन को सही है लेकिन उसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट एंड के ऊपर भी जो है ना वो कुछ चीजें वेलकमिंग होनी चाहिए कि जब ये अब वो पी की तरफ क्यों भागते हैं इसलिए तो भागते हैं कि उनको पता पाकिस्तान जाके दोबारा फिर वही हिलात फेस करने पड़ने बैकअप ले लेते हैं पासपोर्ट ले लेते हैं उसके बाद पाकिस्तान चले जाएंगे सही है अगर यहां पर देखें पूरी दुनिया में से लोग जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए ऐसे है एक्सचेंज uh, प्रोग्राम्स के ऊपर भी जाते हैं ट्रेनिंग के ऊपर भी जाते हैं ये नहीं कहता कि जाना बुरा है वहां से कुछ लेके वापस भी तो आए ना फिर सही है और पर इम्प्लीमेंट करें और ये पॉसिबल है द थिंग इज के यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक वेलकमिंग एनवाइ चाहिए गवर्नमेंट के एंड के ऊपर भी ज्यादातर तो गवर्नमेंट के एंड के ऊपर ही काम होना है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो तब तक नहीं काम करेगा जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी और अगर यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल दस साल या बारह साल सही है आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है ना वो थ्री सिक्सटी एंगल पे चेंज करेगा सर थैंक यू सो मच अगेन इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर मी एंड ऑब्वियसली फॉर द ऑडियंस एज वेल सो एवरीवन दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज पॉडकास्ट थैंक यू सो मच सर अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे विद न्यू डिस्कशन न्यू टॉपिक और दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे तो द कंक्लूजन जो आज हमारा निकला है वो ये निकला है कि अपनी यूथ को रिटेन अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू यू नो इम्प्रूव द बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम एंड दैट इज ऑन द एंड ऑफ गवर्नमेंट आप लोगों के ख्याल में ब्रेन ड्रेन का रीजन क्या है लोग यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं अब इसका जवाब आप लोगों से भी हमें चाहिए सो वी विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच दिस इज मरवा फ्रॉम दिसकेंड पॉडकास्ट थैंक यू सो मच अलाफ